Hello everyone. Now we are going to start with a new chapter that is place of supply. ठीक है, a very important chapter. Place of supply. अब जो place of supply है वो सिर्फ CA final and CA में final को है. ठीक है, CA inter, CA में inter दोनों ही syllabus में नहीं है. So place of supply क्या होता है basic में आप लोग को पहले समझा दूँ. And place of supply का जो provision है वो कौन सा act में है वो मैं बता रहा हूँ. प्लेस ऑफ सप्लाई का बेसिक मीनिंग होता है डेस्टिनेशन. ठीक है, डेस्टिनेशन अगर तुम लोग को याद रहेगा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन उसमें हमने देखा था कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. ठीक है, मतलब जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. अब डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र से अगर मैं गुजरात गुड्स भेज रहा हूँ तो यहाँ पर इस मूवमेंट का जो डेस्टिनेशन है इट इज गुजरात. तो जो भी रेवेन्यू बनेगा वो गुजरात गवर्नमेंट के साथ शेयर होगा. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गुजरात गवर्नमेंट ये लोग दोनों रेवेन्यू रखेंगी. तो यहाँ पर हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई के थ्रू समझते हैं कि डेस्टिनेशन क्या होगा. ठीक है, डेस्टिनेशन इज जस्ट अ लेमैन लैंग्वेज टर्म, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई के IGST एक्ट में सेक्शन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14, ओके, इन सेक्शंस में एक्चुअल डेस्टिनेशन क्या होगा दैट इज डिटरमाइंड. समझ में? ये सारे IGST एक्ट के सेक्शन है. गेटिंग द पॉइंट? अब प्लेस ऑफ सप्लाई और किस वजह से इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइन करना? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अगर एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रीट होना चाहिए, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई आपका आउटसाइड इंडिया होना चाहिए. ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? टेकिंग गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. ठीक है, एक्सपोर्ट का अलग से प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा यहाँ पर, तब हम देखेंगे. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए एक कंडीशन है दैट प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया. समझ में आ रहा? तो प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डेस्टिनेशन. कौन से गवर्नमेंट को टैक्स का रेवेन्यू जाना चाहिए वो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर से समझ में आएगा. क्लियर है? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. अब प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप लोग को डिटरमाइन करना है तो आपको सबसे पहले डिटरमाइन ये करना पड़ेगा कि आप लोग क्या बेच रहे हो. व्हाट यू आर सेलिंग. इफ यू आर सेलिंग गुड्स देन प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिफरेंट. अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग सेक्शन से आएगा. अगर आप गुड्स बेच रहे हो, ओके, तो आप लोग को सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 11 ये दो सेक्शंस काम में आएंगे. अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आप लोग को सेक्शन नंबर 12 या फिर सेक्शन नंबर 13 काम में आएगा. और भी स्पेसिफिक जाएंगे हम लोग. अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो सेक्शन नंबर 10 या फिर 11. अगर आप सर्विस दे रहे हो तो सेक्शन नंबर 12 या फिर सेक्शन नंबर 13. अब एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो देखते हैं. अगर आप गुड्स बेच रहे हो जिसका मूवमेंट इंडिया के अंदर है, ठीक है, आप लोग गुड्स बेच रहे हो जिसका मूवमेंट इंडिया के अंदर है. मूवमेंट इंडिया के अंदर होने का मतलब है गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र, मतलब इन सिंपल वर्ड्स जो भी आप गुड्स बेच रहे हो वो इंडिया के अंदर ही है. तो आपको सेक्शन 10 से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना होगा. क्लियर है? अगर मूवमेंट इंडिया के बाहर हो रही है या फिर बाहर से इंडिया में आ रहा है, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. पहला वाला एक्सपोर्ट, सेकंड इंपोर्ट. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस में सेक्शन नंबर 11 ट्रिगर होगा. क्लियर? प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप गुड्स बेच रहे हो मूवमेंट इंडिया में तो सेक्शन 10 से हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे. अगर मूवमेंट इंडिया से इंडिया के बाहर है या फिर बाहर से इंडिया में गुड्स आ रहे हैं तो सेक्शन नंबर 11. अगर हम सर्विसेज की बात करें तो जब भी सप्लायर एंड रिसिपियंट ये लोग दोनों अगर इंडिया के अंदर, इफ दीज टू आर इन इंडिया देन सेक्शन 12 लगेगा. अगर इन दोनों में से एक जन, ठीक है, सप्लायर और रिसिपियंट, इन दोनों में से एक जन अगर इंडिया के बाहर है तो यहां पर हम लोग सेक्शन नंबर 13 लगाएंगे, नॉट सेक्शन नंबर 12. समझ में आया क्या सबको?
देखो, ये बेसिक डिटर्मिनेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग का पूरा आंसर गलत हो सकता है अगर आप लोगों ने गलत सेक्शन लगाया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो सबसे पहले आप लोग को कौन सा सेक्शन लगेगा वो देखना। ठीक है, 10, 11, 12, 13 गुड्स रहेगा मूवमेंट इंडिया में सेक्शन 10, गुड्स रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्शन 11, सर्विस रहेगा दोनों जन इंडिया में सेक्शन 12, दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर है तो सेक्शन 13। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन सेक्शन नंबर 10 से। सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। अभी सेक्शन 10(1) है, एकदम सिंपल है। जब भी आप लोग गुड्स बेच रहे हो जिसके अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, सप्लाई जिसके अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है। मूवमेंट है क्या, मतलब क्या होता है? अगर मैंने आप लोग को समझो लैपटॉप बेचा, तो लैपटॉप सेल करने के लिए मुझे लैपटॉप सेंड करना पड़ेगा, तो उस सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड। ठीक है, दैट इज डिलीवरी लोकेशन। समझ में आ रहा है? मतलब महाराष्ट्र से अगर गुजरात में नए गुड्स भेजा है तो यहां पर गुजरात विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? अगर राजस्थान से तमिलनाडु भेजा तो तमिलनाडु इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जहां पर भी वो मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, जहां पर भी वो मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है फॉर डिलीवरी, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया? एक बार टेक्निकल लैंग्वेज में देख लेंगे। लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी। समझ में आया? मतलब जहां पर भी गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, उस टर्मिनेशन पॉइंट को, उस स्टेट को कहा जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी इसमें एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। एक्स फैक्ट्री, ओके, एक्स फैक्ट्री। एक्स फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? मैं महाराष्ट्र में हूँ, ये गुजरात में एक पर्सन है। भाई गुजरात का पर्सन महाराष्ट्र में आ रहा है, यहाँ पर उसने गुड्स परचेज किया, अब वो अपने स्टेट में लेके जाएगा, तो क्या यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि मूवमेंट इधर ही टर्मिनेट हो चुका है तो CGST SGST आएगा? आंसर इज नो, ऐसा नहीं। ठीक है, एक्स फैक्ट्री डिलीवरी के केसेस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द टर्मिनेशन पॉइंट, मतलब कि ये गुड्स अल्टीमेटली लेकर के वो कहाँ जा रहा है। ओके, अब ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पर्सन ने गुड्स तो यहाँ पर खरीदा है, अगर इसने इधर ही कंज्यूम किया होगा लेके गया, हमको कैसे समझेगा? तो हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो पर्सन है ये हमको कौन सा एड्रेस फर्निश कर रहा है, ये हमको कौन सा एड्रेस फर्निश कर रहा है। ठीक है, अगर गुजरात वाला पर्सन गुजरात का एड्रेस फर्निश कर रहा है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात। अगर वो एड्रेस फर्निश नहीं कर रहा है तो आप लोग महाराष्ट्र का लोकेशन डाल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 10(1)(b). ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज बिल्ड टू शिप टू मॉडल, बिल्ड टू शिप टू। अभी पहले ट्रांजेक्शन तुम लोग को बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर है ए, यहां पर है बी एंड यहां पर है सी। ध्यान से सुनना ट्रांजेक्शन। सी ने ए को ऑर्डर दिया, ठीक है, सी ने ए को ऑर्डर दिया, मतलब ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो सी ने ए को ऑर्डर दिया, बोला कि हमको ये गुड्स चाहिए, भेजो। तो ए ने क्या बोला? आपको मिल जाएगा। पर सच बात तो ये है कि ए के पास गुड्स है ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ए बी को इंस्ट्रक्ट करेगा। ध्यान से सुनना, ए बी को इंस्ट्रक्ट करेगा। क्या इंस्ट्रक्ट करेगा? कि आप सी को गुड्स दे दो, डिलीवर कर दो, ठीक है, लेकिन इनवॉइस मेरे नाम पर बनाना। तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर बी गुड्स सी को देगा लेकिन बिल करेगा ए को, लेकिन शिप करेगा सी को। शिप मतलब डिलीवर। सो बिल टू ए शिप टू सी, इसको कहा जाता है बिल टू शिप टू मॉडल। अब यहां पर बी जो प्लेस ऑफ सप्लाई लेगा फॉर इनवॉइजिंग टू ए, ठीक है, बी को क्या प्लेस ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा वो हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर बी को प्लेस ऑफ सप्लाई लेना पड़ेगा ए का लोकेशन, दैट इज लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, इसको कहा जाता है थर्ड पर्सन।
बी को कहा जाएगा सप्लायर, सी को कहा जाएगा रिसिपिएंट, ठीक है ना, समझ में। तो बी जब भी ए को बिलिंग करेगा तो बी को प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन दैट इज ए। एंड जब भी ए सी को बिलिंग करेगा, ए सी को क्यों बिलिंग करेगा, क्योंकि सी को तो अब तक तो फ्री में गुड्स मिला है ना, बी ने भेज दिया लेकिन पैसा तो ए ने दिया, तो यहाँ पर ए भी रिकवर करेगा सी से। सो यहाँ पर ए के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन वेयर गुड्स आर सप्लाइड, दैट इज जब भी गुड्स सप्लाई किया था तब गुड्स का लोकेशन क्या था, ठीक है। लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यहाँ पर अपन पढ़ लेते हैं फॉर्मली। 10(1)C था लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये 10(1)C था, ठीक है। एंड ये जो ट्रांजेक्शन है बी से ए वाला, ये 10(1)B है। ओके, हमने यहां पर दो सेक्शन सीख लिए। सेक्शन 10(1)C का हेडिंग क्या है वो सुनो। सेक्शन 10(1)C का हेडिंग है प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, मतलब कि मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है। ए ने जब सी पर इनवॉइस बनाया तब गुड्स भेजा नहीं, ठीक है, बिना भेजे इनवॉइस बनाया, इसीलिए इसको 10(1)C में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। आईसीआई के क्वेश्चंस में जो सेकंड लेग है, देखो इसको सेकंड लेग कहा जाता है एंड इसको फर्स्ट लेग कहा जाता है, तो आईसीआई के मॉड्यूल में सेकंड लेग के लिए 10(1)A यूज किया हुआ है, तो आप लोग एग्जाम में 10(1)A यूज करो लेकिन प्रैक्टिकली 10(1)C यूज होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है सभी को। एक बार मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, बी इज द सप्लायर, ए इज द थर्ड पर्सन, सी इज द रिसिपिएंट। बी जब भी बिलिंग करेगा ए को, ठीक है, एंड शिपिंग करेगा सी को, तब बी को इनवॉइस के ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन दैट इज ए, समझ में। एंड जब भी ए सी को बिलिंग करेगा तभी प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा जहां पर भी गुड्स का डिलीवरी हुआ था, दैट इज द लोकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मोस्टली इट वुड बी सीज लोकेशन, ठीक है। तो 10(1)B खत्म, 10(1)C खत्म, अभी हम बात करेंगे 10(1)D का। सेक्शन 10(1)D, अभी 10(1)D जो है वो सुनना ध्यान से, इट इज रिगार्डिंग असेंबली एंड इंस्टॉलेशन, ठीक है, असेंबली और इंस्टॉलेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग महाराष्ट्र में हो, ठीक है, एक सप्लायर है वो भी महाराष्ट्र में है, अभी आपने क्या किया, गुजरात में एक प्लांट सेटअप करने का विचार किया, ठीक है, आपने एक थॉट लाया है कि लेट अस सेटअप अ प्लांट इन गुजरात, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो महाराष्ट्र का पर्सन अपना महाराष्ट्र का सप्लायर है ये यहाँ पर जाकर के प्लांट इंस्टॉल करेगा, देखो मशीनरी हो सकता है बड़ा या तो प्लांट, यहाँ पर बेसिकली गुड्स की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर गुड्स का इंस्टॉलेशन होगा, बड़ा सा मशीन होगा उसका इंस्टॉलेशन होगा गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलेशन इज एनसिलरी, इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में अगर आप जाओगे तो उनका मशीनरी इंस्टॉल करना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि गुड्स के साथ साथ मिल गया इंस्टॉलेशन फ्री, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र का सप्लायर है, सॉरी ये हम लोग है, ठीक है, हम रिसिपियंट है, ये सप्लायर है एंड ये हम लोग का लोकेशन है जहां पर इंस्टॉलेशन होने वाला है। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा गुजरात, ठीक है। तो सप्लायर्स लोकेशन महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, तो जो महाराष्ट्र वाला पर्सन है ये क्या चार्ज करेगा, ये चार्ज करेगा आईजीएसटी, ये चार्ज करेगा आईजीएसटी। अब क्या ये आईजीएसटी का क्रेडिट अपने को मिल सकता है, आंसर इज नो, नहीं मिल सकता, ठीक है, ध्यान से सुनना, हार्डली 1% पीपल नो दिस पॉइंट, ठीक है, हार्डली 1% पीपल नो दिस पॉइंट, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, यू आर लकी इनफ कि आप लोग को ये लेक्चर में ये पॉइंट डिस्कस करने यहाँ पर मिल रहा है, सुनने मिल रहा है। अब यहाँ पर आईजीएसटी का बेनिफिट क्यों नहीं मिल सकता ये डिस्कशन कर रहे हैं,
ठीक है। अब अगर महाराष्ट्र से अगर आपने गुजरात में गुड्स बेचा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या चार्ज किया रहेगा? आपने चार्ज किया रहेगा IGST। क्या यहाँ पर इस गुजरात वाले पर्सन को IGST का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर महाराष्ट्र वाले पर्सन को बेचा, ठीक है, एंड यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई अगर गुजरात है, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर गुजरात है, तो यहां पर चार्ज क्या करेगा ये पर्सन? IGST चार्ज करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो महाराष्ट्र वाला पर्सन है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मीनिंग देयर बाय IGST जब भी लगा रहे हैं, कोई भी सप्लायर IGST लगा रहा है, तब प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपका स्टेट होगा तो ही आपको ITC मिलता है IGST का। क्लियर पॉइंट समझ में आया क्या? और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर राजस्थान वाले पर्सन ने तमिलनाडु में बेचा, ठीक है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज तमिलनाडु, तो क्या तमिलनाडु वाले को बेनिफिट मिलेगा IGST का? यस, मिलेगा, क्योंकि IGST इसमें लगा है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? रिसिपियंट का स्टेट। क्लियर पॉइंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं बोलना है कि हर IGST का बेनिफिट मिलेगा। IGST जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपियंट का स्टेट होगा उस केसेस में IGST का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? 10(1)(d) में प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन वेर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, लोकेशन ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन। आया समझ? 10(1)(e) 10(1)(e) गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, गुड्स टेकन ऑन बोर्ड का मतलब क्या हुआ? अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने स्पाइस जेट को कुछ गुड्स सप्लाई किया, ठीक है, अब स्पाइस जेट ने वो गुड्स अपने पैसेंजर्स को बेचा, तो यहां पर हम लोग 10(1)(e) देखेंगे, ठीक है, गुड्स टेकन ऑन बोर्ड। तो स्पाइस जेट इन गुड्स को अपने प्लेन पर कब ले रहा है? ठीक है, दैट लोकेशन, जहां पर भी वो प्लेन में ले रहा है, दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग इस ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे इस ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो स्पाइस जेट अगर महाराष्ट्र में ऑनबोर्ड ले रहा है गुड्स को, तो महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो स्पाइस जेट जब भी इन पैसेंजर को इनवॉइस करेगा, तब उसको CGST SGST चार्ज करना है, चाहे पैसेंजर महाराष्ट्र का हो या ना हो। क्लियर पॉइंट। तो इस तरीके से तो अपना सेक्शन 10 पूरा हो चुका है। अब बात करेंगे सेक्शन 11 की। सेक्शन 11, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो लोकेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, मतलब कि अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे, तो यहाँ पर जब भी इंडिया के बाहर ये गुड्स जा रहे हैं, तो कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, दैट इज डेस्टिनेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इंडिया से जा रहे हैं जापान, तो जापान इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इंडिया से जा रहे हैं सिंगापुर, तो सिंगापुर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। अगर हम इम्पोर्ट की बात करें, ठीक है, तो इम्पोर्टेशन के केस में लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर, तो जो भी पर्सन ने इम्पोर्ट किया, लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 ये किसके लिए था? सर्विसेज के लिए था, ठीक है, सर्विसेज, लेकिन कब? जब सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों जन कहाँ पर हैं? दोनों जन इंडिया के अंदर, दोनों जन इंडिया के, ठीक है। अभी ये होगा सेक्शन 12(1), ठीक है, जो बेसिक हमने यहाँ पर देखा, सप्लायर रिसिपिएंट दोनों इंडिया में होना चाहिए, ये सेक्शन 12(1) बोलता है। अब बात करेंगे 12(2) की। 12(2) इज अ जनरल प्रोविजन, 12(2) इज अ जनरल प्रोविजन। अब जनरल प्रोविजन का मतलब क्या होता है? कि जो आगे के सेक्शंस में फिट नहीं होगा, ठीक है, देखो आगे स्पेसिफिक प्रोविजन है, दैट इज विथ रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट, ट्रेनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, मतलब ऐसे अलग 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 नीचे हैं, 12(14) तक है। ओके, तो जो 12(3) से लेकर के 12(14) तक के सेक्शंस में फिट नहीं हो रहे, उन सर्विसेज के लिए सेक्शन नंबर 12(2) लगाना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 12(2) क्या बोल रहा है? सेक्शन नंबर 12(2) स्टेट्स दैट
अगर आप लोगों ने सर्विसेज दिया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, दैट इज जिसके पास जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ रिसिपियंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, एंड अगर आपने अनरजिस्टर्ड को दिया, ओके, तो आप लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, आप लोग को चेक करना है कि ये इस पर्सन का क्या हमारे पास एड्रेस है या नहीं है। जैसे अगर मैंने आप लोग को लेक्चर दिया, ठीक है, आप लोगों ने मेरे ऐप से लेक्चर परचेस किया, तो यहाँ पर आप अनरजिस्टर्ड हो, एग्जाम्पल मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो यहाँ पर क्या मेरे पास आप लोगों का एड्रेस है? ऑब्वियसली बुक डिलीवरी के लिए आपने एड्रेस डाला होगा, तो एड्रेस है, तो मेरे लेक्चर के सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? वो एड्रेस जो कोई भी स्टेट में होता है, वो स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एड्रेस, दैट इज रिसिपियंट, ठीक है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर एड्रेस नहीं है, ठीक है, एड्रेस मैंने मांगा ही नहीं आप लोगों से, एड्रेस नहीं है, तो यहाँ पर होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है, दिस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लायर। आया समझ में? तो ये हो गया अपना 12.2। नेक्स्ट इज 12.3, मार्केट एज वेरी इंपॉर्टेंट, 12.3 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। ओके, अभी 12.3 क्या है? सर्विसेस डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, सर्विसेस डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेस होंगी, दैट इज आर्किटेक्ट हो गया, सर्वेयर हो गया, रियल इस्टेट एजेंट हो गया, रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो गया, ओके, तो इन सबका जो सर्विसेस है वो इस सेक्शन में क्लासिफाई होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या क्लासिफाई नहीं होगा जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है? जैसे अगर मैंने प्रॉपर्टी बेचा एंड आपको बोला कि आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करो, तो यहां पर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इमोबल प्रॉपर्टी, क्लियर पॉइंट? तो यहां पर रियल इस्टेट एजेंट, सर्वेयर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इन सबका क्यों हुआ? क्योंकि सेक्शन में स्पेसिफिकली लिखा है कि कोई भी एक्सपर्ट, ठीक है, दैट इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इन सबके सर्विसेज का भी क्लासिफिकेशन 12.3 में होगा। ठीक है, अब 12.3 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो देखो। यहां पर आप लोग को क्या चेक करना है, आप लोग को चेक करना है कि प्रॉपर्टी कहां पर है। इफ प्रॉपर्टी इज इन इंडिया, इफ प्रॉपर्टी इज इन इंडिया, देन लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, जब अगर प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ, लेकिन अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो इस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपियंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अगर लोकेशन ऑफ रिसिपियंट, दैट इज रिसिपियंट, इंडिया के बाहर होगा तो सेक्शन 12 लगेगा ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 12 लगने के लिए हमने सबसे पहला चीज देखा था कि रिसिपेंट एंड सप्लायर दोनों जन इंडिया में होने चाहिए, ठीक है ना? तो अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, क्लियर? सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, दिस इज रेस्टोरेंट सर्विसेस, ठीक है, एकदम स्पेसिफिकली देखेंगे रेस्टोरेंट, पर्सनल फिटनेस, ग्रूमिंग, ठीक है, यहाँ पर रेस्टोरेंट केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 12.4 के अंदर। अब 12.4 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी प्लेस वेयर दिस सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म्ड, ठीक है, जहाँ पर भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है, दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो रेस्टोरेंट के केस में हमेशा सप्लायर के लोकेशन पे ही परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल मेरा होटल मुंबई में, तो मुंबई में परफॉर्म करूंगा, ठीक है, तो हमेशा मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। तो इन केसेस में रेस्टोरेंट, पर्सनल ग्रूमिंग वगैरह वगैरह, इन केसेस में मोस्टली इट वुड बी सीजीएसटी एसजीएसटी, मोस्टली सीजीएसटी एसजीएसटी, क्लियर?
अब आईजीएसटी कब आ सकता है? एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या राय, ठीक है, एंड यहां पर उसकी ब्यूटीशियन है। ओके, अब ये ब्यूटीशियन राजस्थान की, ऐश्वर्या राय मुंबई की। अभी ऐश्वर्या ने क्या बोला कि ब्यूटीशियन आप यहां पर महाराष्ट्र में आओ, ठीक है, यू कम टू महाराष्ट्र एंड मेरा मेकअप करके दो। अब यहां पर राजस्थान की सप्लायर है, ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है? राजस्थान। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जहां पर परफॉर्म किया, दैट इज महाराष्ट्र। तो यहां पर लगेगा आईजीएसटी। समझ में आ गया पॉइंट? क्लियर। तो रेस्टोरेंट वाले केसेस में तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, लेकिन कुछ बाकी के केसेस है उसमें आईजीएसटी हो सकता है। अब रेस्टोरेंट वाले केसेस में एक क्लेरिफिकेशन आया, ठीक है, अगर एसईजेड में रेस्टोरेंट है, ओके, एंड एसईजेड के रेस्टोरेंट ने एसईजेड के रिसिपिएंट को सर्विस दिया, तो क्या यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएं या फिर आईजीएसटी लगाएं? आंसर इज आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, ठीक है, आईजीएसटी लगाना है, क्योंकि सेक्शन नंबर 75B, ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी ओपन कर लेना, सेक्शन नंबर 75B ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इसमें लिखा हुआ है कि अगर एसईजेड को सप्लाई किया तो ये इंटरस्टेट माना जाएगा, तो इंटरस्टेट माना जाएगा तो आईजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविजन अगर है तो इट विल ओवरराइड द जनरल प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अभी आप लोगों ने सुना रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स, ठीक है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग वगैरह जो प्रोवाइड होती है सर्विसेज, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा वो यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, ओके, तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, एंड अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो यहां पर होगा वेयर वेयर ट्रेनिंग इज परफॉर्म्ड, वेयर ट्रेनिंग इज परफॉर्म्ड। क्लियर? मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल रिलायंस के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया, तो रिलायंस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो रिलायंस जिस भी स्टेट में रजिस्टर्ड है उस स्टेट को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। ओके, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, मतलब अगर मैंने बोला कि मुंबई में जीएसटी का ट्रेनिंग है, मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, तो जो भी ट्रेनिंग में ज्वाइन होगा वो तो अनरजिस्टर्ड है, पर ट्रेनिंग कहाँ पर हो रही है? महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। आगे, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6, एडमिशन टू इवेंट, ठीक है, एडमिशन टू इवेंट। अब यहाँ पर हम लोग एडमिशन टू इवेंट मतलब हम यहाँ पर एंट्री फीस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एंट्री फीस। तो इवेंट हो सकता है, पार्क हो सकता है, या कोई भी अम्यूजमेंट पार्क हो सकता है, कुछ भी। तो जहाँ पर भी आप लोग इवेंट के लिए आप लोग एंट्री फीस पे कर रहे हो, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन वेयर पार्क इज लोकेटेड और इवेंट इज हेल्ड। समझ में? मतलब अगर महाराष्ट्र में कोई पार्क है या फिर अम्यूजमेंट पार्क है, दैट इज इमेजी का सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, महाराष्ट्र में इमेजी का है। अभी रिलायंस गुजरात के कुछ एम्प्लॉयज यहाँ पर आ रहे हैं एंड बोलते हैं कि हम लोग के पास जीएसटी नंबर है गुजरात का, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात हो जाएगा? आंसर इज नो, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इमेजिकास लोकेशन, दैट इज महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा, तो मोस्टली इसमें भी सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से तो पूरा ही सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। तो जो भी पार्क जहाँ पर लोकेटेड, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 12-7 मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 12-7 इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेस, 12-7 इज इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, हम लोग का इवेंट है, आप टेक केयर करो कि स्टेज कैसे होना चाहिए, ठीक है, अवार्ड फंक्शन में कौन सा अवार्ड देना चाहिए,
खाने में क्या होना चाहिए, मतलब ये सब कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम है। तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज में हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे हम दे किसको रहे हैं ये सर्विस। अगर इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, देन इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज रिसीवर। अगर अनरजिस्टर्ड को दिया, ठीक है, अनरजिस्टर्ड को दिया, जैसे मैरिज वगैरह, तो जिसका भी मैरिज हो रहा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि इवेंट कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, वी आर गोइंग टू चेक इवेंट कहाँ पर हो। अगर इवेंट इंडिया के अंदर होगा, इफ इवेंट वुड बी इन इंडिया, देन इन सच केस द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी वेयर द इवेंट इज हेल्ड, दैट इज लोकेशन ऑफ इवेंट, ठीक है, लोकेशन ऑफ इवेंट, जहां पर भी इवेंट हो रहा है दैट लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ। लेकिन अगर इवेंट इंडिया के बाहर है, अगर इवेंट इंडिया के बाहर है, दैट इज डेस्टिनेशन वेडिंग हुआ, ठीक है, तो ऐसे केसेस में इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो हम लोग को प्लेस ऑफ अप्लाई क्या लेना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। आया समझ में? तो जब रजिस्टर्ड को दिया गया सर्विस तब रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इवेंट कहाँ पर हो रहा है। अगर इवेंट इंडिया में हो रहा है तो जहां पर भी इवेंट हुआ दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ द, एंड इवेंट अगर इंडिया के बाहर हुआ तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। नेक्स्ट 12.8 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ओके, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, एकदम सिंपल है। अगर आप लोग रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करोगे, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आप लोग किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहे हो तो इस केस में हम लोग क्या चेक करेंगे, गुड्स हैंड ओवर कहाँ पर, ठीक है, लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर, गुड्स आर हैंडेड ओवर, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल, मैं महाराष्ट्र में रहता था, अब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ गुजरात, अब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ गुजरात, ठीक है, तो महाराष्ट्र में मैंने एक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को हायर किया, बोला कि मेरे घर का जो भी सामान है वो सामान को आप लोग क्या कहाँ लेके जाओ, गुजरात में लेके जाओ। ओके, अब मैं हो गया गुजरात का, मतलब मेरा लोकेशन तो गुजरात हो गया, तो क्या यहाँ पर महाराष्ट्र का सप्लायर IGST लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा, क्यों? क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर भले महाराष्ट्र है, ठीक है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर, मतलब मैंने इसको ये गुड्स हैंड ओवर कहाँ पर किया था, महाराष्ट्र में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र, तो वो चार्ज करेगा CGST SGST। क्लियर है? भले मैं गुजरात का हूँ अभी, पर वो चार्ज क्या करेगा, CGST SGST। अब यहाँ पर एक प्रोविजो है 12.8 में, 12.8 का प्रोविजो ये कहता है कि अगर अगर प्लेस जहां पर भी ये डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, वो डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, इफ प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अगर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है, ओके, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज आउटसाइड इंडिया, देन इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी प्लेस आउटसाइड इंडिया, दैट इज डेस्टिनेशन, दैट इज डेस्टिनेशन, ठीक है, मतलब अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों जन इंडिया के, लेकिन रिसिपिएंट बोलता है कि ये गुड्स को आप लोग जापान में डिलीवरी करो, ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जहाँ पर हैंड ओवर क्या वो नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा जहाँ पर डेस्टिनेशन है, दैट इज जापान। क्लियर है पॉइंट? अब ध्यान से सुनना एक चीज, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ये वीडियोस वापस से रिकॉर्ड नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए मैं ये पॉइंट अभी बता दे रहा हूँ। जो अटेम्प्ट तुम लोग का अभी है, दैट इज November 23 December 23, उस अटेम्प्ट में जैसा अभी सिखाया वो वैलिड है,
ठीक है, इट इज वैलिड, लेकिन अगले अटेम्प्ट में इट इज मई 24 और नवंबर 24, सॉरी मई 24 और जून 24, मई 24 और जून 24। इस अटेम्प्ट में जो ये वाला प्रोविजो हमने सीखा वो निकल चुका होगा, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग का एग्जाम नवंबर में है, दिसंबर में है, तो ये जो हमने अब तक पढ़ा वो एकदम प्रॉपर है। लेकिन अगर आपका एग्जाम नवंबर के बाद है, दिसंबर के बाद है, तो ये प्रोवाइजो तब तक हट चुका रहेगा, तो ये प्रोवाइजो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने अभी क्यों बताया, क्योंकि ये लेक्चर्स वापस से रिकॉर्ड नहीं होंगे, तो अभी आप लोग को ये नोट डाउन करके रखना है, नेक्स्ट। 12.9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया या फिर अनरजिस्टर्ड को, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्लेस ऑफ प्लान, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां से एम्बार्क हुआ दैट एम्बार्केशन पॉइंट इज द प्लेस ऑफ प्लान, एम्बार्क मतलब जहां से जर्नी स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं पता, ठीक है, पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं पता, ये कब हो सकता है, ये हो सकता है तब जब आपको पूरा इंडिया घूमने का एक पास मिला है, तो या फिर कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में आपको जाने का एक परमिट मिला है। तो यहाँ पर आप लोग कहीं से भी चढ़ सकते हो, कहीं से भी उतर सकते हो, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं मालूम है, ओके। एंड द टिकट इज फॉर फ्यूचर यूज, मतलब कि आप 2-3 दिन के लिए यूज कर सकते हो। तो इस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपियंट दैट इज एज पर सेक्शन 12.2, 12.2 जो है जनरल प्रोविजन उसके हिसाब से लगेगा, क्लियर है। तो रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहाँ से एम्बार्क हुआ, एंड अगर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं पता तो यहाँ पर 12.2, 12.2 मतलब जनरल प्रोविजन, ओके। नेक्स्ट इज 12.10 सर्विसेस ऑन बोर्ड, एक बार देख लेता हूँ, वही है ना, सर्विसेस ऑन बोर्ड। अभी सर्विसेस ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है, कि अगर आप लोगों को कुछ एडिशनल सर्विस मिलता है ऑन बोर्ड ट्रेन में, प्लेन में, अगर आपको एडिशनल सर्विस मिला, जैसे मैं जैसे आपको सब्सक्रिप्शन मिला कोई मूवी देखने का, ओके, जब भी आप प्लेन में थे आपको 200-300 रुपया पे करके एक सब्सक्रिप्शन मिला, तो यहाँ पर आपको सर्विसेस ऑन बोर्ड मिला, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर इट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्लियर। नेक्स्ट इज सेक्शन 12.11 टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेस, जैसे आप लोग का प्रीपेड वाउचर हो गया, पोस्टपेड वाउचर हो गया, TTH, ब्रॉडकास्टिंग, तो ये सब सर्विसेस। अब ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, टेलीकम्युनिकेशन, DTH एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब यहाँ पर जो पहले का जमाना था उसमें लैंडलाइन मोबाइल हुआ करते थे, ओके, लैंडलाइन मोबाइल नहीं, लैंडलाइन टेलीफोन्स। तो यहाँ पर लैंडलाइन के केस में अभी भी है कहीं 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 जगह पर, तो लैंडलाइन के केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी वेयर सच लाइन इज इंस्टॉल्ड और लोकेटेड, ठीक है। लैंडलाइन के केस में जहाँ पर भी वो लाइन लोकेटेड है, जहाँ पर भी वो लाइन इंस्टॉल्ड है, दैट लाइन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अभी उसके बाद आया आपका पोस्टपेड का जमाना, ठीक है, यहाँ पर एक बार अपन फॉर्मली देख लेते हैं। यहाँ पर अगर फिक्स्ड लीज और केबल लाइन है तो लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब जहाँ पर भी वो लाइन लोकेटेड। उसके बाद पोस्टपेड आया, तो पोस्टपेड में क्या देखेंगे, बिलिंग एड्रेस देखेंगे। भाई मेरा पोस्टपेड है तो जो एयरटेल के पास मेरा बिलिंग एड्रेस है, ठीक है, वो बिलिंग एड्रेस जो भी स्टेट में है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद प्रीपेड वाउचर थ्रू सेलिंग एजेंट, जो वाउचर होता है सिम कार्ड अपना, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रिचार्ज वाउचर जिसको स्क्रैच कर सकते थे थ्रू सेलिंग एजेंट, मतलब कि अगर हम लोगों ने किसी पान पट्टी से खरीदा, ठीक है, किसी रिटेल स्टोर से खरीदा, किराना स्टोर से खरीदा, तो यहाँ पर जब भी एयरटेल उस रिचार्ज अमाउंट के ऊपर GST चार्ज करेगा,
तब एयरटेल के पॉइंट ऑफ व्यू जीएसटी क्या होगा? एयरटेल के पॉइंट ऑफ व्यू जीएसटी होगा जो भी सेलिंग एजेंट का एड्रेस है, ठीक है, उसके हिसाब से। नेक्स्ट, बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, मतलब अगर हम लोग गैलरी में गए, ठीक है, हम लोग अगर गैलरी में गए, हमने रिचार्ज करवाया, ठीक है, गैलरी में गए, हमने उसको पैसा दिया, बोला रिचार्ज कर दो या फिर पोस्टपेड बिल का पेमेंट कर दो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रीपेड वाउचर्स के केस में, हम यहाँ पर सिर्फ प्रीपेड का देख रहे हैं, प्रीपेड वाउचर के केस में अगर डायरेक्टली फाइनल सब्सक्राइबर को रिचार्ज मिला है प्रीपेड के केस में, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी जहाँ पर भी प्री पेमेंट मिला है, ठीक है, लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड। उसके बाद प्रीपेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज गूगल पे, पेटीएम, इनसे भी रिचार्ज होता है, तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इज द प्लेस ऑफ पेमेंट। इन अदर केसेस, मतलब इन लोग को छोड़ करके, दैट इज इंटरनेशनल रोमिंग हो सकता है, तो उन सब केसेस में अगर एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट इज अवेलेबल विद सप्लायर, तो जो भी वो एड्रेस होगा उसके ऊपर, मतलब वो प्लेस ऑफ अप्लाई माना जाएगा, एंड अगर एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। नेक्स्ट, 12.12, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन अपना रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, ऑब्वियसली रजिस्टर्ड होगा तो अवेलेबल होगा, अनरजिस्टर्ड होगा तो भी अवेलेबल होगा, क्योंकि डीमैट अकाउंट, दैट इज स्टॉक ब्रोकिंग के केस में क्या होता है, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारा केवाईसी आपको सबमिट करना पड़ता है, तो रिसिपिएंट का एड्रेस अगर अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रिसिप, लेकिन रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, दैट इज से डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, अगर मेरे पास पैसा है, कैश है, ओके, एंड नीचे मेरे यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक है, लेकिन मेरा अकाउंट नहीं है आईसीआईसीआई बैंक, तो भी मैं आईसीआईसीआई बैंक में जाकर के डिमांड ड्राफ्ट बना सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कैश, क्लियर। तो यहाँ पर डीडी बनाने के लिए मेरे को बैंक का कस्टमर होना जरूरी है, तो बैंक के पास मेरा तो एड्रेस है ही नहीं, तो प्लेस ऑफ अप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ओके, उसके बाद इंश्योरेंस, 12.13, इंश्योरेंस सर्विस रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया, ठीक है, अनरजिस्टर्ड को दिया तो यहाँ पर क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जो भी हमारा केवाईसी डिटेल्स होगा, जिसमें एड्रेस होगा, उस एड्रेस जो भी कोई स्टेट में होगा, दैट इज द प्लेस ऑफ अप्लाई इंश्योरेंस सर्विस में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, लास्ट, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी, लोकल अथॉरिटी और स्टैचुरी बॉडी, तो इस केस में जहां पर भी एडवर्टाइजमेंट्स रन हो रहा है या फिर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो उन स्पेसिफिक स्टेट्स को प्लेस ऑफ अप्लाई बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक रूल नंबर 3 होता है जो कि हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो रूल इतना रिलेवेंट नहीं है, रूल नंबर 3 आप लोग को खुद से मैनेज करना है। रूल नंबर 3 में अलग अलग बेसिस ऑफ अपॉर्शन दिया हुआ है, कि न्यूज़पेपर में दिया तो क्या रहेगा, टीवी में दिया तो क्या रहेगा, तो वो सब चीज़ें आप खुद से रेफर कर सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ। तो सेक्शन 12 इज कंप्लीटेड, नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 13। अभी सेक्शन नंबर 13 में 13.3 तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13.4 से एकदम सिंपल हो रहा है, ठीक है, सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13, अब सेक्शन नंबर 13 का एप्लीकेबिलिटी क्या है, एप्लीकेबिलिटी इज जब सप्लायर और रिसिपिएंट इन दोनों में से एक जन आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, तब सेक्शन नंबर 13 हमको लगाना है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 13.1 हो चुका है, सेक्शन नंबर 13.2, दिस इज द जनरल प्रोविजन, मतलब आगे वाले सेक्शन में अगर कोई भी फिट नहीं होता है तो आप लोग को सेक्शन नंबर 13.2 लगाना पड़ेगा सेक्शन 13.2 के हिसाब से, ठीक है, दैट इज जनरल सर्विस। सेक्शन 13.2 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है,
अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल नहीं है, ओके, देन इन दैट केस इट वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। आया समझ में? जनरल सर्विस दैट इज जो 13(3) से लेकर के 13(12) तक फिट नहीं होगा, उसको हम लोग किस में फिट करेंगे? सेक्शन 13(2) में, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओके, अगर रिसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट केस इट विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। 13(3) वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेस। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इन इंडिया, बी इज इन यूएस। देखो, अभी से जो भी एग्जाम्पल लूंगा वो सब इंडिया एंड इंडिया के बाहर के होंगे, क्योंकि सेक्शन 13 में है ना, हम लोग को एक जन इंडिया के बाहर चाहिए। तो बी इज फ्रॉम यूएस। अभी सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ था? ए ने बी को कुछ चीज एक्सपोर्ट किया था, ठीक है? ए ने बी को कुछ चीज एक्सपोर्ट किया था, बराबर। अब वो चीज खराब हो गई, ठीक है, एंड बी ने उसका वारंटी नहीं लिया था। तो अब बी क्या कर रहा है? बी ए को सेंड कर रहा है, बी ए को ये गुड्स सेंड कर रहा है। ओके, ए क्या बोलता है? इन गुड्स को मैं यहां पर ठीक करूंगा, ओके, ठीक करूंगा एंड फिर मैं आपको ये वापस भेजूंगा, ठीक है? एंड ये ठीक करने को टाइम लगेगा। टाइम लगेगा मतलब बहुत टाइम लगेगा, 7-8 महीना लग सकता है। देखो, आप लोग को समझ में आएगा कि ये 7-8 महीना मैं क्यों बोल रहा हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है? अभी के लिए समझो 7-8 महीना लगेगा, ऐसा किसने बोला? ए ने बोल दिया। 7 to 8 months लगेगा ठीक होने को। अब यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं एज पर सेक्शन 13(3). अब 13(3) बोलता है कि जहां पर भी ये रिपेयरिंग का सर्विसेज परफॉर्म हुआ, जहां पर भी ये सर्विसेज परफॉर्म हुआ, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी यहां पर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट तो यूएस था, अगर हम लोग इसको जनरल प्रोविजन में लेके जाते तो इंडिया के बाहर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता एंड इसको एक्सपोर्ट बोल सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला? ये गुड्स इंडिया में आ रहा है, इंडिया में आप इसके ऊपर काम करोगे, ठीक है? जब भी आप गुड्स के ऊपर काम कर रहे हो, गुड्स के ऊपर, तो यहां पर परफॉर्मेंस देखा जाएगा किधर हो रहा है। तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? जहां पर भी वो सर्विस परफॉर्म हुआ उन गुड्स के ऊपर, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में? क्लियर है? अब यहां पर एक्सेप्शंस भी। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है, सबसे पहला एक्सेप्शन, अगर मान के चलो कि ये गुड्स भेजने का जरूरत पड़ा ही नहीं, ठीक है, ये गुड्स अभी भी यूएस में ही है। ए ने बी को बोला, सर आप एक काम करो, मेरे को गुड्स का एक्सेस दो। कैसे दो? एनी डेस्क से दो, अगर एक मशीनरी वगैरह है तो, या फिर आप मुझे वीडियो कॉल करो, ठीक है? तो मतलब क्या हो रहा है कि गुड्स भेजने का जरूरत नहीं पड़ा, इलेक्ट्रॉनिकली ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिकली ठीक होने का मतलब, मैंने उसको बोला कि ये बटन दबाओ, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करो, वहां पर क्लिक करो, और ठीक हो गया। तो यहां पर ये गुड्स का परफॉर्मेंस कहां पर हो रहा है? यहां पर गुड्स का परफॉर्मेंस किधर हो रहा है? परफॉर्मेंस इंडिया में हो रहा है, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंडिया में हो रहा है, इंडिया से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। पर यहां पर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वुड नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी वेर द गुड्स आर लोकेटेड, दैट इज लोकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स कहां पर थे? यूएस में थे, तो यहां पर यूएस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नॉट इंडिया। आया समझ में? क्लियर है पॉइंट? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एक्सेप्शन, व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए अगर आपने इंपोर्ट किया। अब टेम्पररी मतलब क्या वो बताया नहीं, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, टेम्पररी का मीनिंग बताया नहीं। ओके, तो अगर टेम्पररीली इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है फॉर रिपेयर्स,
ठीक है, फॉर प्रोसेस दैट इज प्रोसेसिंग और एनी अदर ट्रीटमेंट, और एनी अदर ट्रीटमेंट। अगर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है टेम्पररी पीरियड के लिए फॉर रिपेयरिंग प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह, सो इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड नॉट बी द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बट लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्लियर पॉइंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट के टाइम पर बेनिफिट हो जाएगा, मतलब तो हम जब भी इंडिया के बाहर वाले पर्सन को सर्विस देंगे तब हमारी सर्विस को एक्सपोर्ट ट्रीट किया जाएगा। ओके ये हो गया अपना 13(3)(a), 13(3)(a) हो गया। अब बात करते हैं 13(3)(b) का। अब 13(3)(b) जो है वो क्या बोलता है, 13(3)(b) ये कहता है कि जब भी किसी इंसान के ऊपर सर्विस दिया, देखो यहाँ पर गुड्स के ऊपर सर्विस दिया, अब हम बात कर रहे हैं इंसान के ऊपर सर्विस, जैसे हेल्थ केयर सर्विस, ओके, प्लास्टिक सर्जरी, तो ये सब सर्विसेज क्या हो रहा है इंसान के ऊपर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेम प्रोविजन दैट इज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ सर्कुलर्स हैं, वो सर्कुलर्स इस सेक्शन से रिलेटेड है। चार्ट बुक में आ जाओ। सबसे पहला फार्मास्यूटिकल सेक्टर। देखो फॉर एग्जांपल हम इंडिया में, इंडिया के बाहर से कुछ सैंपल्स आए, ठीक है, कुछ सैंपल्स आए इंडिया में टेस्टिंग के लिए, ठीक है, किस चीज़ के लिए, इंटीग्रेटेड डिस्कवरी, ठीक है, पता नहीं क्या है, बायो इक्विवेलेंस स्टडी। अभी ये क्या होता है, जो टेस्टिंग होती है उसमें एक टाइप का टेस्टिंग है ये। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट इंडिया में, मतलब उस सैंपल के ऊपर या फिर उस रॉ मटेरियल के ऊपर जो इंडिया के बाहर से आए उसके ऊपर टेस्टिंग करने के लिए चूहे को ये दिया जाता है, ठीक है, तो उस पर किस तरीके का रिएक्शन होता है उसका एक रिपोर्ट बनाया जाता है, फिर चेक करते हैं कि ह्यूमन के ऊपर ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो ये होता है बायो इक्विवेलेंस स्टडी, बायो अवेलेबिलिटी स्टडी एट्सेट्रा। मतलब कि इंडिया के बाहर से कुछ सैंपल आया इंडिया में, उसके ऊपर हमने काम किया, क्या क्या काम किया, इंटीग्रेटेड डिस्कवरी, बायो इक्विवेलेंस स्टेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी, तो ये सब स्टडी किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इंडिया के बाहर से जो गुड्स आया है उसके ऊपर काम किया, काम इंडिया में किया, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इंडिया है, ठीक है। तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया मानेंगे, आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने बोला इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्लियर है, तो इस ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट माना जाएगा। आगे ESDM इंडस्ट्री, जो लैपटॉप वगैरह में एक सर्किट होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, अगर इंडिया के बाहर मेरा एक रिसिपिएंट है उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, ओके, कॉन्ट्रैक्ट दिया, बोला कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट हमको इस तरीके का चाहिए, ओके, वी वांट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो मैंने डिज़ाइन किया इंटीग्रेटेड सर्किट एंड उसको डिज़ाइन करके डेवलप करके भेजा, ये लो डेवलपमेंट किया हुआ ये प्रोडक्ट है, आप इसका कितना चाहिए उतना आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करवा लो, हमने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करके दिया, ओके। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर वो हमको बोलता है कि ये डिज़ाइन होने के बाद आप क्या करो, आप इस इंटीग्रेटेड सर्किट को टेस्टिंग करके दो, ठीक है, टेस्टिंग करके दो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उस इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर काम करेंगे इंडिया में, मतलब हम लोग टेस्टिंग करेंगे ऑब्वियसली, ओके। तो यहाँ पर हम लोग जब टेस्टिंग करेंगे इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर टेस्टिंग करेंगे, तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस तो इंडिया हो गया, तो क्या इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाएगा, आंसर इज नो। ठीक है, आवर मेन एक्टिविटी वॉज डिजाइनिंग इंटीग्रेटेड सर्किट, तो जिसमें लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके। लेकिन एंसिलरी एक्टिविटी अगर टेस्टिंग है तो भी चलेगा, जो आपका प्रिंसिपल एक्टिविटी डिजाइन एंड डेवलपमेंट उसके हिसाब से अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है तो टेस्टिंग के लिए हम लोग प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ट्रीट नहीं करेंगे, ओके। लेकिन अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ काम टेस्टिंग का होता, इफ माई सोल वर्क वॉज टेस्टिंग, तो इस केस में हो जाएगा इंडिया, दैट इज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग एक्टिविटी ऑन अनपॉलिश्ड डायमंड्स, ठीक है, मतलब अगर इंडिया में अनपॉलिश्ड डायमंड है, डायमंड कटर होता है, तो डायमंड कटर से हम लोग क्या करेंगे उसका कटिंग एंड पॉलिशिंग करेंगे, ओके। तो यहाँ पर जब भी कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड होगा
तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड नॉट बी द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बट इट वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। समझ गया। आगे, सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल, दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर प्लेन इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है, इंडिया में खराब हो गया, तो यहाँ पर इंडिया में उसका रिपेयरिंग वगैरह होगा, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस तो इंडिया में किया, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बोलेंगे? आंसर इज नो। हम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानना पड़ेगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर एयरक्राफ्ट एज वेल एज वेसल, दोनों के लिए। समझ में। सो हियर वी कंप्लीट विद सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3। नाउ लेट अस मूव अहेड विद सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4। एज पर सेक्शन 13(4), सर्विसेज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इमोबल प्रॉपर्टी, मतलब कि जैसे हमने 12(3) में सीखा, सेम इज एप्लीकेबल इन 13(4). ठीक है, तो 13(4) में सर्विस का नेचर सेम, 13(4) में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें आप लोग को ये नहीं देखना है कि रिसिपिएंट कहाँ का है, प्रॉपर्टी कहाँ का है, ये सब कुछ भी नहीं देखना है आपको। सिंपल प्रॉपर्टी कहाँ पर लोकेटेड है वो देखना है। द लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। अभी यहाँ पर एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर ये कहता है कि कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज, जो कस्टम्स के पोस्ट पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज वगैरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं कार्गो हैंडलिंग का, ठीक है, जो कार्गो हैंडलिंग सर्विस वुड बी क्लासिफाइड एज जनरल नॉट इन टर्म्स ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि कार्गो हैंडलिंग के लिए स्पेस वगैरह लगता है, ठीक है, उस स्टोरेज स्पेस में आप लोग को दिया जाता है, तो वो स्पेस का जो एरिया है दैट इज द लोकेशन, तो उसमें इमोवेबल प्रॉपर्टी में आपका जो गुड्स है वो स्टोर होता है, पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इमोबल प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, जनरल देखा जाएगा। ठीक है ना। आगे, थर्टीन फाइव, दैट इज एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, मतलब यहाँ पर एंट्री फीस वाला पॉइंट भी कवर्ड है एंड इवेंट मैनेजमेंट दोनों कवर्ड है, एकदम सिंपल, जहां पर भी इवेंट हो रहा है। ठीक है, जहां पर भी इवेंट हो रहा है। आगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13(3), 13(4), 13(5) इन मल्टीपल लोकेशन इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कि अगर आप लोगों ने इवेंट मैनेजर के साथ एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करना है एज वेल एज यूएस में, ठीक है, ये अमाउंट्स, तो यहाँ पर सिंस इट इज वन कॉन्ट्रैक्ट फॉर टैक्सेबल टेरिटरी एज वेल एज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, देन दिस एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, तो पूरे के ऊपर जीएसटी आपको भरना पड़ेगा बाद में। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 13(3), 4, 5 इन मोर देन वन स्टेट, अगर एक से ज्यादा स्टेट में सर्विस दिया जा रहा है, 13(3) वाला, 13(4) वाला या फिर 13(5) वाला, ओके, तो इस केस में मल्टीपल स्टेट्स है, तो जितना भी स्टेट एज पर वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए वो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल, रिलायंस ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तीन जगह पर इवेंट होगा, ओके, तो यहाँ पर समझो तीनों जगह पर दो दो दिन के लिए इवेंट हो रहा है, तो 1:1:1 में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई भी डिवाइड करना पड़ेगा। आगे, 13(8), वेरी इंपॉर्टेंट, 13(8) एक ऐसा प्रोविजन है, ठीक है, जो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब तक जितने भी प्रोविजन हमने देखे सब में डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग जा रहे थे, या तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, या तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या तो इवेंट हेल्ड, मतलब जहां कहीं पर भी आप देखो तब हम डेस्टिनेशन वाली स्टेट को बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें डेस्टिनेशन स्टेट को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस दे रहे सप्लायर की स्टेट को, लोकेशन ऑफ सप्लायर को। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी सर्विसेज कवर्ड है? सबसे पहला, बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अकाउंट होल्डर्स, ओके, मतलब कि अगर बैंक ने किसी अकाउंट होल्डर को सर्विस दिया, तो यहाँ पर बैंक को जीएसटी चार्ज कौन सा करना पड़ेगा? डिपेंड्स, अगर बैंक इंडिया के बाहर का है, ओके, बैंक इंडिया के बाहर का है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ये ऑब्वियसली इंडिया में, तो भी लोकेशन ऑफ सप्लायर तो इंडिया के बाहर चला जाएगा प्लेस ऑफ सप्लायर। अगर इंडियन बैंक ने फॉरेन कस्टमर को दिया सर्विस, ओके, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट इज इंडियन बैंक, तो जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर। सेकेंड, इंटरमीडियरी सर्विस, दैट इज एजेंट, ठीक है,
तो एजेंट को जो भी कमीशन मिलता है, तो यहाँ पर एजेंट, फॉर एग्जांपल एजेंट इंडिया में है एंड उसका जो प्रिंसिपल है वो इंडिया के बाहर है, तो देखने गए तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है, पर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया रहेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट सर्विस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बट द लोकेशन ऑफ सप्लायर। थर्ड, हायरिंग ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यॉट अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ। अब यहाँ पर एक चार्ट बनाऊंगा मैं, उसके हिसाब से देखना। हायरिंग ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हायरिंग ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर एयरक्राफ्ट और वेसल है, ठीक है, अगर एयरक्राफ्ट और वेसल है तो सेक्शन 13(8) एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली सेक्शन नंबर 13(2) एप्लीकेबल होगा। अदर देन एयरक्राफ्ट वेसल है, ठीक है, अदर देन एयरक्राफ्ट वेसल, तो हम लोग यहाँ पर क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो हायरिंग का पीरियड है ये कितना है। अगर ये हायरिंग का पीरियड अप टू 1 मंथ है, ओके, अप टू 1 मंथ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13(8) के हिसाब से लोकेशन ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर मोर देन 1 मंथ है, मोर देन 1 मंथ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में 13(2) लग जाएगा, ठीक है, 13(2) मतलब जनरल प्रोविजन। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन मेल और कुरियर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वहां पर हमने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन देखा था, सेम यहाँ पर है, तो अदर देन मेल और कुरियर है, मतलब मेल और कुरियर के केस में सेक्शन नंबर 13(2) लगेगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन मेल और कुरियर, दैट इज कार्गो जा रहा है, तो इस केस में डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, जहां पर भी गुड्स का डेस्टिनेशन है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी इसके साथ साथ एक क्लैरिफिकेशन है, अभी सैटेलाइट सर्विसेज जो होती है, ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड किया, अब सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा जाता है, ओके, तो सैटेलाइट इज गुड्स, उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया स्पेस में, ठीक है, उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया स्पेस में, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि स्पेस में तो कोई स्टेट नहीं है, कोई यूनियन टेरेटरी नहीं, कोई कंट्री अलग कंट्री नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर स्पेस में जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे देखेंगे, उस सैटेलाइट से जो व्यूवर्स हैं वो अगर इंडियन व्यूवर्स है, इंडियन कस्टमर्स है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इंडिया। अगर उस सैटेलाइट से जो टीवी में दिखाने वाले हैं वो कस्टमर्स अगर आउटसाइड इंडिया के, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी आउटसाइड इंडिया। क्लियर है? आगे, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इस केस में जहाँ से भी जर्नी स्टार्ट हुआ, दैट इज एम्बार्केशन, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, वहां पर क्या था, 12 में क्या था, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एम्बार्केशन, एम्बार्केशन नहीं मालूम तो 12(2), यहाँ पर उतना कुछ मगजमारी नहीं है, नो टेंशन, एकदम सिंपल, जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि यहाँ पर सर्विसेज ऑन बोर्ड है, सेम फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। लास्ट वन, OYDR सर्विसेज, तो OYDR सर्विस के केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, OYDR क्या होता है वो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। रूल नंबर 3 से लेकर रूल नंबर 9 में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो मेरा एक अवेलेबल है, उसको अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज OYDR सर्विस, ठीक है। अब OYDR सर्विस का मीनिंग क्या होता है, ऐसा सर्विस जो इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड हो रहा है, ओके, एंड बिना इंटरनेट के वो सर्विस देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिना इंटरनेट के वो सर्विस दे नहीं सकते, आ रहा है समझ में, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के वो सर्विस देना मुश्किल है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर इंटरनेट नहीं है तो वो सर्विस नहीं हो सकता, ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है, मतलब एकदम ही पूरा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमल, थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एंड फिर एग्जाम्पल्स भी, ये एग्जाम्पल्स भी इसी सेक्शन में। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस मींस सर्विस हुज डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, ओके, ओवर इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, एंड नेचर ऑफ विच रेंडर्स देयर सप्लाई इजेंशली ऑटोमेटेड, इट इज ऑटोमेटेड, मतलब कि अपने आप होगा, एंड इन्वॉल्विंग मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, मिनिमल मतलब एकदम कम, एंड इम्पॉसिबल टू एंश्योर
इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब नेट नहीं है तो वो सर्विस हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, तो गूगल का एडसेंस, ठीक है, गूगल का एड, यहाँ पर एग्जांपल देख लो, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, नेक्स्ट क्लाउड सर्विसेज, आपको बैकअप लेना है, अब बिना नेट के बैकअप ले ही नहीं सकते, प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, ठीक है, ई बुक्स जो कि डाउनलोडेबल नहीं है, ओके, जो अगर डाउनलोड हो सकती है तो वो OIDR नहीं है, ठीक है। डाउनलोडिंग में दो चीज़ें, एक डाउनलोड जो आपके मोबाइल में होगा, दूसरा डाउनलोड जो उसी ऐप में होगा, अगर उसी ऐप में डाउनलोड हो रहा है तो चलेगा, तो चलेगा, ठीक है, देन इट विल बी OIDR, ठीक है। आगे, प्रोवाइडिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन रिट्रीवेबल और अदरवाइज टू एनी पर्सन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कॉन्टेंट, इट इज नेटफ्लिक्स, ठीक है, डिजिटल डेटा स्टोरेज, ऑनलाइन गेमिंग, पबजी वगैरह। तो OIDR सर्विसेज बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा सा हो सकता है, ओके, इंटरनेट बंद करेंगे तो वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, वो सर्विसेज आप लोग एंजॉय नहीं कर सकते बिना इंटरनेट के। तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है OIDR, समझ में। अभी OIDR का एग्जाम्पल क्या क्या नहीं है वो देख लो यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और पोस्टर ऑन टेलीविजन, ठीक है, डाउनलोडेबल ई बुक्स, डाउनलोडेबल ई बुक्स मतलब अगर डाउनलोड कर सकते हो तो इट इज़ नॉट OIDR, लेकिन अगर उसी ऐप में डाउनलोड कर रहे हो तो चलेगा, मतलब कैशे में स्टोर्ड है, नॉट इन योर इंटरनल स्टोरेज। एजुकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेस वेयर द कॉन्टेंट इज डिलीवर्ड बाय टीचर, मतलब कि अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो यहाँ पर वो OIDR नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड करना नहीं है, मेन फोकस इज ऑन एजुकेशन, ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग, ओके। आगे, सर्विसेज ऑफ लॉयर्स एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो जीमेल वगैरह पे आप लोग एडवाइजरी देते हो, कंप्यूटर और मोबाइल गेम्स टू बी यूज्ड आफ्टर डाउनलोडिंग, मतलब डाउनलोड होने के बाद अगर खेल पा रहे हो तो फिर इट इज़ नॉट OIDR, ऑनलाइन खेल रहे हो इट इज़ OIDR, पबजी, ओके। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, ठीक है। अगर OIDR सर्विस प्रोवाइडिंग किया हमने, किसको प्रोवाइड किया, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट को, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट को, तो यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज में GST आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैंने आप लोग को चार्ज ऑफ GST में बोला था कि प्लेस ऑफ सप्लाई में हम कुछ सीखेंगे, तो वो हम लोग अभी सीख रहे हैं। देखो, दो टाइप का सर्विस होता है, एक होता है OIDR सर्विस एंड एक होता है अदर सर्विसेस, ठीक है। अगर OIDR सर्विस प्रोवाइडर ने किसी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को सर्विस दिया, तो यहां पर ये OIDR भले आउटसाइड इंडिया है, कोई इश्यू नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, इंडिया में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड GST पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उसको बैंगलोर में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा बैंगलोर में, आया समझ में, उसको बैंगलोर में रजिस्ट्रेशन ले करके GST का पेमेंट करना पड़ेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अगर OIDR सर्विस प्रोवाइड किया किसी एनटी अदर देन NTOR को, ठीक है, अदर देन NTOR को, अदर देन NTOR को, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अदर देन NTOR को भरना पड़ेगा, क्लियर है, अदर देन NTOR को भरना पड़ेगा RCM। अदर सर्विस में, अदर सर्विस में ऑब्वियसली NTOR अदर देन NTOR में कोई बाइफरकेशन नहीं किया, ओके, तो एनी पर्सन है, तो यहाँ पर NTOR हो चाहे जो भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, तो अदर सर्विसेज में डायरेक्टली इट इज RCM, आया समझ में। तो हमने चार्ज ऑफ GST में पढ़ा था सर्विसेस अदर देन OIDR सर्विसेस, एक बार मैं चार्ज ऑफ GST ओपन कर लेता हूँ,
यहां पर देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया के बाहर लोकेटेड है, ओके, टू एनी पर्सन अदर देन एनटीओआर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो टू अदर देन एनटीओआर, ठीक है, कोई भी सर्विस, कोई भी सर्विस मतलब अदर सर्विस या फिर ओआईडीआर सर्विस, अदर सर्विस या फिर ओआईडीआर, एनी सर्विस, एनी एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अदर देन एनटीओआर। देखो यहां पर अदर देन एनटीओआर है आरसीएम, यहां पर भी आरसीएम, ठीक है, यहां पर भी लिख दो अगर आप चाहिए तो, अदर देन एनटीओआर, अदर देन एनटीओआर, तो यहां पर दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, आरसीएम लग जाएगा, ठीक है। ओवाईडीआर हो चाहे अदर सर्विस हो, दोनों ही सर्विसेज अगर अदर देन एनटीओआर को दिया गया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी भरना पड़ेगा, लेकिन अगर ओवाईडीआर सर्विस एनटीओआर को देना पड़ा, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट ने क्या लिखा हुआ है, एनी सर्विस टू अदर देन एनटीओआर, अगर ओआईडीआर सर्विस टू एनटीओआर रहेगा तो इट वुड बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है पॉइंट। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दैट इज इंडिया, ठीक है, तो इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, दैट इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। समझ में आया पॉइंट, तो एकदम वापस से मैं क्लैरिफाई करता हूँ, अगर ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइड किया गया है एनटीओआर को नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट को, तो यहां पर फॉरवर्ड चार्ज, अदर्स को दिया ओआईडीआर सर्विस तो रिवर्स चार्ज, अदर सर्विस रहेगा अदर देन एनटीओआर को तो आरसी। क्लियर है, ये चार्ट एकदम आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी अगर ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड कर रहा है लेकिन इंटरमीडियरी के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है, मतलब किसी के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां पर जिस किसी के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है इस पर्सन को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर ये इंटरमीडियरी एनटीओआर को सर्विस दे रहा है, ठीक है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। अब एनटीओआर में कौन कौन आते हैं वो देख लेते हैं। एनटीओआर में कौन कौन कवर्ड है वो देख लेंगे अभी। एक बड़ा सा डेफिनेशन, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट मींस गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और एनी इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड एंड रिसीविंग ओवाईडीआर सर्विसेज फॉर अदर देन बिजनेस पर्पस। मतलब कि यहाँ पर जो मतलब जो लोग बिजनेस पर्पस के लिए ओवाईडीआर सर्विस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहे, जैसे मैं गेम खेलने के लिए लिया तो मेरा कोई बिजनेस पर्पस नहीं, ओके, लेकिन अगर मेरा जीएसटी नंबर है एंड मैंने अमेजोन का क्लाउड क्लाउड वेयरहाउसिंग जो रहता है ना, क्लाउड पे जो सब कुछ स्टोर करते, तो वो सर्विसेज मैंने लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं एनटीओआर नहीं कहलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आई एम टेकिंग ओवाईडीआर सर्विस फॉर अदर फॉर बिजनेस पर्पज, ठीक है, इन केस ऑफ अमेजोन का क्लाउड वेयरहाउसिंग। लेकिन अगर मैं पबजी का गेम का सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, ठीक है, सो आई एम एन इंडिविजुअल, यहाँ पर मैं अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा हूँ, तो आई एम एनटीओआर। समझ में आ रहा है, तो गवर्नमेंट इज एनटीओआर, लोकल अथॉरिटी इज एनटीओआर, गवर्नमेंट अथॉरिटी इज एनटीओआर, इंडिविजुअल और एनी पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो लोग अगर अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं तो वो लोग भी एनटीओआर में क्लासीफाई हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पर वही पूरा चार्ट दिया हुआ है, एनटीओआर को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज, अदर देन एनटीओआर को दिया तो आरसी, ठीक है, बैंगलोर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इंटरमीडिएरी के थ्रू दिया तो इंटरमीडिएरी को एफसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा, इंटरमीडिएरी ने अगर अदर देन एनटीओआर को दिया तो आरसीएम में लगेगा। समझ में, ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट नॉट इम्पॉर्टेंट, इंटरमीडिएरी कब ट्रीट होगा कब नहीं होगा ये पॉइंट कोई रिलेवेंस नहीं रखता है।
दैट्स इट विद दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक दिस.